त्योहार आते ही बिहार के तस्करों द्वारा यूपी के रास्ते शराब की बड़ी खेप लाया जा रहा था। बिहार में शराब बंदी तो हुआ है, पर बिहार में शराब तस्करों का बोलबाला चल रहा है। वही आपको बता दें कि यूपी से फल का ट्रक बिहार में लाया जा रहा था। फल की पेटियों में छिपाकर ले जाई जा रही शराब उत्पाद विभाग की टीम ने जब्त की है। रविवार की सुबह यह बरामदगी वीर कुंवर सिंह गंगा सेतु चेक पोस्ट पर हुई। स्कैनर की जांच में पता चला कि अंदर शराब की बोतलें हैं, लेकिन जब ट्रक को खोला गया तो वह सेब की पेटियों से भरा था। जांच शुरू हुई, उत्पाद विभाग के कर्मियों का पसीना निकल गया क्योंकि पेटियां बहुत थी, शराब मिल नहीं रही थी। बहुत नीचे कुछ शराब मिली, लेकिन पेटियों पर स्कैनर घुमाया तो पता चला फल के मध्य भी बोतलें छिपाई गई हैं, और उसे स्कैन करने के लिए स्कैन से बचाया जा सके इसके लिए प्रत्येक बोतल पर कार्बन लपेटा गया था। पूछने पर उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने कहा कि अभी कुल जब्त शराब की गणना नहीं हुई है, यह जरूर पता चला है कि यह शराब ट्रक से लेकर उत्तर प्रदेश से बिहार के हाजीपुर जा रहा था। गिरफ्तार चालक शिवम खलासी सत्यम से फिलहाल पूछताछ हो रही है। हालांकि जब शराब की मात्रा और मूल्यों का ब्यौरा पूछा गया तो उत्पाद विभाग की टीम ने बताया कि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन बरामद सेब की पेटियों पर बहुत लोग नजर गड़ाए हुए दिखे। सिटी न्यूज बक्सर से गुड्डू आजाद की एक रिपोर्ट। बक्सर से अभी अभी जो है गंगा ब्रिज पर इसकी चेकिंग चल रही थी। समाहर्ता महोदय के निर्देशानुसार अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, त्योहारी मौसम है और इस तरह के तस्करी की संभावना बढ़ गई है, तो पूरी सजगता और सतर्कता के साथ 24 घंटे यहां पर वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अभी अभी एक ट्रक पकड़ा गया है और इसमें सेब लदा हुआ है और शराब की पुष्टि हो गई है कि अंदर शराब रखा हुआ है, बाकी गिनती होने के बाद बताया जा सकेगा। कहाँ से ला रहा था, कहाँ ले जा रहा था, कुछ बताया है? ये अभी पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि ये यूपी का एक कोई बाजार का नाम ले रहा है और वहाँ से लेके चला था और इसको हाजीपुर जाना था।